प्रणाम, मेरा नाम खुशबू पाल है। मैं विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट चौदहबीघा ऋषिकेश की छात्रा हूँ। मैं आज आप सबके सामने कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखूंगी। पहले हम बात करते हैं बजट की। बजट 2024 नई संसद में लोकसभा में पारित किया गया, जो कि इस साल का अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट की अवधि 4 माह की है, अप्रैल से जुलाई तक की है। इलेक्शन होने के कारण इसको अंतरिम बजट पेश किया गया। अंतरिम बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया। 1 फरवरी 2024 में यह बजट पेश किया गया। मोदी सरकार का यह बारवा बजट पेश किया गया, जबकि श्रीमती सीतारमण जी द्वारा 6ठी बार यह बजट पेश किया गया। विकसित भारत बनाने की घोषणा इस बजट में 2047 तक की गई है। जाति गणना के आधार पर विपक्ष को करारा जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने 4 जातियों में बांटा है, निर्धन, महिलाओं, युवाओं तथा अन्नदाताओं। बजट का आकार 47.66 लाख करोड़ का है। बजट में आयुष्मान भारत के तहत आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत के तहत जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ मकान बनाने का निर्माण का लक्ष्य पूरा होने को है, जबकि अगले 5 वर्षों के लिए और 2 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। फिर बजट में रेलवे तीन कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। इनमें से पहला मिनरल एनर्जी एंड सीमेंट कॉरिडोर, दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और तीसरा हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। इसमें से बजट में 40,000 रेल बोगियों को वंदे मातरम के तहत जोड़ा जाएगा। बजट में सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों की घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। इसमें 300 हर एक लक्षित परिवारों को 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त प्रदान की जाएगी। अब हम बात करते हैं इसमें रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट की। 2023-24 में संशोधित अनुमान रेवेन्यू डेफिसिट का 2.8% था, जो कि 24-25 में संशोधित अनुमान 2.0% है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का 2023-24 में संशोधित अनुमान 1.8% था, जो कि 2024-25 में बजट अनुमान 0.8% है। फिस्कल डेफिसिट का संशोधित अनुमान 2023-24 में 5.8% था, जो कि 24-25 में बजट अनुमान 5.1% है। अब प्राइमरी डेफिसिट का 2023-24 में बजट अनुमान 2.3% था, जो कि 24-25 में बजट अनुमान 1.5% हो गया है। अब हम बात करते हैं कुछ पुरस्कार की, जैसे कि भारत रत्न 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया। उसमें से पहले कर्पूरी ठाकुर जी, जो कि हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दूसरा लाल कृष्ण अडवाणी जी, जो कि हमारे भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह जी, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1902 में हुआ था। इनके जन्म दिवस यानी 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पीवी नरसिम्हा राव जी, जिनको जो कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इन्हीं के काल में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाया गया था। मनमोहन सिंह जी के काल में ही LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन विकसित हुआ था। पांचवा MS स्वामीनाथन जी, जो कि हरित क्रांति के जनक भी रह चुके हैं। अब हम बात करते हैं पद्म भूषण की, जो कि 5 लोगों को दिया गया है। कला के क्षेत्र में चिरंजीवी वैजंती माला जी और पद्म सुब्रमण्यम जी को दिया गया है। सामाजिक कार्य में
बिंदेश्वर पाठक जी को दिया गया है, जिनको मरण उपरांत यह पद्म भूषण दिया गया है, और एम वेंकैया नायडू जिनको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में यह पद्म भूषण दिया गया है। अब हम बात करते हैं पद्म भूषण की। पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को दिया गया है, इनमें से कुछ मिथुन चक्रवर्ती जी, उमा उत्थुप जी और मुख्य न्यायाधीश रही फातिमा बीबी जी और अन्य आदि भी हैं। और पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया है, इनमें से 110 में से कुछ महत्वपूर्ण जैसे कि टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना जी और उत्तराखंड से रहे यशवंत सिंह कटौत जी, जिन्होंने उत्तराखंड की नवीन इतिहास लिखा है। धन्यवाद।